तो हेलो एवरीवन, 50 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स इन 10 डेज और आज चल रहा है हमारा डे 5 और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एचएससी बोर्ड के अंदर इस चैप्टर को प्रिपेयर करके 6 मार्क्स अच्छी तरह से ला सकते हैं। हर चैप्टर में मैंने अब तक 5 दिनों के अंदर उसमें से 4 दिन जो है उसके अंदर मैंने दो दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को कम से कम 44 मार्क्स तक की पूरी स्ट्रैटेजी वहां पर क्या करना है वो बताया था। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है और बहुत से बच्चों को ये लगता है कि ये चैप्टर करने से अच्छा है हम दूसरे किसी चैप्टर पे फोकस करें। तो मैं जो इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं उतना तो पॉइंट आपको इस चैप्टर से कर लेना है क्योंकि ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 80% तक है कि एचएससी बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, आज का डेली टारगेट है तो आज इस दिन में जितना भी होता है आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो मैं बता रहा सिर्फ एक ही टॉपिक हूं और इसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन करना है और साथ साथ मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बताऊंगा जो कि चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है। तो प्रिपेयर करेंगे इस टॉपिक को अच्छी तरह से, स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर बच्चों इसके आपको नोट्स अवेलेबल चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैप्टर 6 मार्क्स का है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर MCG, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, मैं यहां लिख रहा नहीं हूं, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ये सवाल आपको आ सकता है। अब ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम, इस सवाल को पूछने का तरीका बहुत अलग अलग रहता है। एक ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम बनाया गया MCG का, तो इसके साथ आपको सिर्फ एक्सप्लेन इट कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा या वर्किंग पूछा जाएगा, कोई एक पार्ट पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका सवाल का अगर आपको इसको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये आपको पेज नंबर 237 पे और 238 पे, ठीक है, कितना 237 और 238 पेज नंबर पे मिल जाएगा। तो इस पेज पे आप इसका रेफरेंस देख सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर। और ध्यान रखना ये 3 मार्क्स के लिए सवाल आप लोगों को जैसा पूछा गया है, अब इस सवाल को ही पूछने का ढंग बदलता जाता है। मैं जब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं उधर आप लोगों को, देखो इस सवाल को अगर टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्रेशन भी डिराइव करने को बोलते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन डिराइव करते समय आप लोगों को यहां पर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं दिखाई देगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सवाल को पूछते अलग अलग ढंग से है, जैसे कि इस सवाल को आपको ऐसा पूछा जा सकता है, देखिए, शो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए एमसीजी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको सिंपल भाषा में मैं यहां पे आप लोगों को बता दूं कि शो दैट करंट फ्लोइंग, यहां पे करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब थीटा से। इस चीज को आपको डिराइव करना रहता है। अब इसके लिए भी आप लोगों को ये एक्सप्रेशन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तब आप लोगों को ये फॉर्मूला मैं बता दूं कि टॉर्क इज इक्वल टू NIAB रहता है और आपको इसकी जगह पर K थीटा सब्स्टिट्यूट करके NIAB लिखना रहता है। तो इस तरह से आप यहां पे देख रहे हो कि यहां ये करंट है और ये थीटा है, बाकी ABN ये सब इधर आ जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही कांस्टेंट आएगा कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके डिराइव करना रहता है। मैं यहां पे आपको छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, आप पेज नंबर 237-238 को रेफर करो, वहां पे आपको ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सवाल, ड्रॉ ये वाला सवाल, ये वाले सवाल का एक्सप्लेनेशन और साथ साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये 3 चीज आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला
ये वाला दोनों सवाल, ठीक है, इसको फिर से पूछ सकते हैं। यहां पे आपको करंट सेंसिटिविटी के नाम से भी इस सवाल को पूछा जाता है, तो आप प्रिपेयर रहो कि किस तरह से अलग अलग ये सवाल आपको एचएससी बोर्ड में पूछ सकते हैं, राइट। अब आगे आते हैं, दूसरा, ये सारा हो गया क्या? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, चलो आओ एक्सप्लेन करो, ठीक है। देखो अब अगला सवाल आपको जो पूछा गया है, बता रहा हूं, इसको प्रिपेयर करना है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आप लोगों को एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, और आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये आपको पेज नंबर 245, कितना 245 पेज नंबर पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किट वाला बहुत ही आसान है, छोटा सा है, जल्दी से प्रिपेयर कर लो इसको, ठीक है। देन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, या तो यहां पे सोलिनॉइड आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड से रिलेटेड या तो सवाल आ सकता है, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि टोरॉइड से रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि सोलिनॉइड में कितनी रहती है, तो ये, या फिर टोरॉइड में कितनी रहती है। तो सोलिनॉइड में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई रहता है, ये आपका सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ऐसे ही आपको टोरॉइड के लिए भी बोला जाता है। अगर इसको आप देखोगे तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 246 एंड 247, ये 246 और 247 दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिखता हूं कि टेक्स्ट बुक के 246 एंड 247 पेज नंबर पे आपको ये चीज मिल जाएगी, प्रिपेयर कर लो अच्छी तरह से। ये भी छोटा सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा करना है, फॉर्मूला और डेरिवेशन तो बहुत ही छोटे छोटे हैं इनके, ठीक है। तो कम से कम इतना तो थ्योरी रिलेटेड एक्सपेक्टेड है कि आपको कर लेना है इस चैप्टर से। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछा जा सकता है जो कि आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड ही डिपेंडेंट है। क्वेश्चन क्या है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 10 टर्न्स, मतलब एन की वैल्यू आपको 10 दी है, ठीक है। मैं फटाफट सॉल्व करता हूं, आइडिया आ जाएगी आप लोगों, ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। मैं सिर्फ आपको डेटा दे रहा हूं, सॉल्व तो पूरा नहीं करूंगा, बस आप चैलेंज कंप्लीट कर लो, इसके लिए आपको आसान करके दे रहा हूं। एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻²− मीटर है। देन कॉइल कैरीज करंट, करंट मतलब आई की वैल्यू। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन छोटा बनाया है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत सारा स्टेटमेंट लिखकर 4-5 लाइन लिखकर दी थी, लेकिन मैंने इसको आसान कर दिया है। करंट इतना दिया है, और इसकी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा या मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा होगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा, वो बी है आपका, दैट इज 10 × 10⁻²  टेस्ला है। और इसके साथ आपका थीटा दिया हुआ है, सॉरी थीटा नहीं दिया है, ये आपका के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ट्विस्ट कांस्टेंट के नाम से आएगा, क्या आएगा, ट्विस्ट कांस्टेंट। यहां नोट कर लो कि ये आपको ट्विस्ट कांस्टेंट के नाम से बोला हुआ रहेगा, या डिफ्लेक्शन कांस्टेंट भी पूछ सकते हैं, या डिफ्लेक्शन कांस्टेंट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो आपकी के की वैल्यू है, दैट इज 12 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री, ओके। और डिफ्लेक्शन मतलब थीटा आपको फाइंड करना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन में मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा होता है, कैलकुलेट आपको थीटा करना है, तो एन आई ए बी अपॉन के कर दोगे। अब आपका काम आसान मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू, आई की, ए की, बी की वैल्यू, ये सब दी हुई है। अच्छा, ए की वैल्यू नहीं दी है, ए रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यहां पे रख देना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू मिलेगी यहां रख देना। बी आपको दिया हुआ है, के आपको दिया हुआ है, और सॉल्व करना है आपको, इसका आंसर मुझे कॉमेंट में बताना है कितना डिग्री एंगल आ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आज का डे 5 का भी चैलेंज आपका कंप्लीट होता है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करो पूरे दिन भर, ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स आसानी से दे देगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि ये सवाल जिसमें मैं आपको डिफ्लेक्टिंग के बारे में बता रहा हूं, एमसीजी से रिलेटेड बता रहा हूं, ये आपको 4 या 3 मार्क्स के लिए सवाल आता ही आता है एग्जाम के अंदर। तो प्रिपेयर अच्छी तरह से करना, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को सोचना, और उस तरह से ही आप इसकी प्रिपरेशन करो। बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट जो बताए हैं उनको भी प्रिपेयर कर लो, सवाल आ सकता है, राइट। चलो तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।